हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ एलियनवेयर लैपटॉप के बारे में, जो डेल एलियनवेयर M15R7 है। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो आप देर से देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं डेल एलियनवेयर M15R7 का। तो ब्रांड है डेल, ठीक है। इसका जो मॉडल है तो आपको मालूम ही एलियनवेयर M15R7। इसका जो रिलीज डेट है वो है 4 जनवरी 2022, ठीक है। थोड़ा दिन हो चुका है रिलीज होते हुए। इसका जो डायमेंशन है वो है 272.50 × 356.20 × 20.60, ठीक है। इसका जो वेट है वो है 2.42 kg। ये विंडोज 11 पर चलते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वाट आवर में वो है 56, ठीक है। अभी डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंच, ठीक है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 pixels, मतलब फुल HD है ये। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 165 Hz। इसका जो प्रोसेसर है वो है इंटेल i7 12gen 12700, मतलब 12700H। इसका जो बर्स्ट क्लॉक स्पीड है वो है 4700 GHz। और इसका जो कैश मेमोरी है वो है 24 MB का। अभी मेमोरी थोड़ा देख लेते हैं। इसका रैम दो वेरिएंट मिल जाता है, 16GB और 32GB, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाएगा, ठीक है, इस लैपटॉप का, जिसमें आपको 3060, 3070 Ti और 3080 Ti आपको यहाँ में मिल जाएगा, ठीक है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 3060 मिल जाएगा, वैसे जाते जाते लास्ट वेरिएंट में आपको 3080 मिल जाएगा। और जो डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड कितना जीबी का है वो है 4GB का। और डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप वो है GDDR6, सबसे लेटेस्ट वाला। इसमें आपको स्टोरेज SSD मिल जाएगा दो वेरिएंट में, 512GB और 1TB। टोटल आपको तीन वेरिएंट मिल जाएगा लैपटॉप में। लास्ट में जब मैं प्राइस बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या वेरिएंट में कौन क्या क्या प्राइस है, ठीक है। तो पहले स्पेसिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अभी कनेक्टिविटी देखिए, वाईफाई आपको मिल जाएगा 802.11, मतलब आपको वाईफाई 6 भी आपको यहाँ में मिल जाएगा, सपोर्ट हो जाता है। इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो है 5.2। आपको यहाँ में इथरनेट पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट देखिए, आपको यहाँ में वेब कैमरा आपको यहाँ में मिल जाएगा, पॉइंटर डिवाइस है टच पैड यहाँ में, आपको बैकली कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, टच पैड आपको मिल जाएगा और इंटरनल माइक भी आपको मिल जाएगा। अभी पोर्ट्स एंड स्लॉट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोर्ट्स एंड स्लॉट्स आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट्स है 5, यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप ए पोर्ट है 3, फिर यूएसबी 3.2 जेन 2 टाइप सी पोर्ट है 1, थंडरबोल्ट 4 टाइप सी है 1 और HDMI पोर्ट आपको स्टैंडर्ड पोर्ट मिल जाएगा। हेडफोन एंड माइक कॉम्बो जैक है यहाँ में और RJ45 LAN का पोर्ट भी आपको यहाँ में मिल जाएगा, ठीक है। अभी प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इंडिया में है, जो बेस वेरिएंट है वो है 16GB RAM 512GB storage। इसका जो प्राइस है वो है 1,64,990 rupees। 16GB RAM 1TB storage, इसका जो प्राइस है वो है 2,14,990 rupees। और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है 32GB RAM और 1TB storage, इसका जो प्राइस है वो है 2,69,990 rupees। तो फाइनली मैं कुछ फोटोज कलेक्ट करके दिखाने की कोशिश किया है कि डेल एलियनवेयर M15R7 कैसा लगता है देखने में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक, तो वहां आप इस PDF को डाउनलोड करके फिर से आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस लैपटॉप को आप जहां से आप खरीद सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां में जाके आप इस लैपटॉप के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, जो मैं लिंक दे दूंगा वहां में क्लिक करके, ठीक है।
तो अपना मन बना लीजिए, तो कौन सा आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये ट्रूली गेमिंग लैपटॉप है, तो आप इसे यूज करके बहुत आनंद उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।